इस ओवर की पहली गेंद ऑफ टैप के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए गौरेश और हार्दिक और गौरेश की जोड़ी मैदान के अंदर। प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर। रन संख्या एक रन। ऑफ टैप के बाहर गेंद थी और विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल इस वक्त 22 के तौर पर एक रन जरूर मिलेगा। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एससीसी और स्वराज्य के बीच मुकाबला प्रतियोगिता का आज का ये क्रुशियल दिन, पहले दिन का खेल। स्कोर 2-1 राउंड विकेट। रक्षात्मक तरीके से गेंद को गेंद खेल दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। बॉलर प्रतीक ने गेंद को उठाया था और प्रतीक का बिल्कुल अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। हरीश कदम और प्रतीक ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता बैक पर जाके गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन लेने का अवसर। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एसएससी और प्रतीक दोनों टीमें बहुत ही तगड़ी टीमें हैं और प्रतीक गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। तेज रफ्तार की गेंद थी प्रतीक की। रन संख्या 5 रन। 53 पहले ओवर का खेल और इस वक्त दबाव रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर। प्रतीक के 5 गेंद में 5 रन आए हैं। धनंजय पाटिल भी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय आपका भी स्वागत। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। ये धनंजय है आपके सीन पर। धनंजय पाटिल कैमरामैन साहिल बॉल बिल्कुल उनको पकड़ते हुए अपने कैमरे में। बैक पुटचा के आंसर पर कला के साथ मोड़ दिया एक रन लेने का अवसर। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में रन संख्या 6 रन। पहले बल्लेबाजी करते एसएससी। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 53 हमारे साथ जुड़ने वाले आई डीजे मास्टर। नक्कीच प्रशांत सर, माऊली क्रिकेट क्लब आयोजित सभापति चषक 2024 मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या 6 वरती एक सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय एसएससी संघाकडून। दरम्यान दुसरं षटक हाताळेल गोलंदाज श्रेयस। श्रेयस की बात करते बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं और अब दूसरा ओवर लेके आए हैं। ऑफ टैप के बाहर गेंद थी, बैक पर चले गए क्रिस के घर का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। ज्ञानेश्वर दळवी या ठिकाणी व्यासपीठावरती दाखल झाले, त्यांचा सन्मान आपण करतोय। या स्पर्धेकरता बॉलची संपूर्ण व्यवस्था त्यांच्या माध्यमातून। ज्ञानेश्वर दळवी आपण या आपला सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। अनिल पाटील यांना मी विनंती करेन आपण त्यांचा यथोचित सन्मान। अनिल आपले स्वागत आहे। बॉलची संपूर्ण व्यवस्था आपल्या माध्यमातून आहे आणि आपला सन्मान व्यासपीठावरती केला जातो। ज्ञानेश्वर दळवी सॉरी, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी यद्यशो दादा पाटील यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा। ज्ञानेश्वर आपला सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय। आपण पाहू शकता या वेळेला ऑन स्क्रीन निश्चितच ज्ञानेश्वर यांचा सन्मान। बॉल से आमचे प्रायोजक ज्ञानेश्वर दळवी। धपक दबा 10 बिन बाद 10 तर सन्मान देखील आपण पाहूया। साहिल कॅमेरा निश्चितच या वेळेला व्यासपीठावरती घेऊन येईल। बॉल चे स्पॉन्सर ज्ञानेश्वर दळवी यांचा सन्मान। उत्सवमूर्ती ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या शुभ हस्ते। धपक दबा 11 हा सन्मान आपण पाहू शकता। ज्ञानेश्वर थँक्यू व्हेरी मच, मनापासून धन्यवाद। शिवम स्पोर्ट्सचे मालक दिनेश यांचा देखील सन्मान आपण पाहिला, अर्थात मॅनेजरचा पुरस्कार त्यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर आहे। स्टोकच्या गेंद बॉल की तरफ 4 रन। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अच्छा स्टोक था बल्लेबाज का। गौरेश अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। देखिए यहां थोड़ी खराब फील्डिंग और उसका फायदा, गेंद ट्रैवल बॉडी की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए। स्कोर 17 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल है। एसएससी के लिए अग्नि परीक्षा डू और डाई वाला मैच। अभी तक अगर देखे तो अच्छी पारी खेलते हुए गौरेश
और कवरेश ने 8 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाए हैं। हार्दिक 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, श्रेष्ठ की इस ओवर की बात करें तो थोड़ा महंगा ओवर है, 4 गेंदों में 11 रन आए हैं। पंकज चव्हाण को मैं इस वक्त देख रहा हूं हमारे कम बॉक्स के सामने, अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर और बढ़िया फील्डिंग आउट, बल्लेबाज गौरेश बैक टू द पवेलियन, पहले विकेट का पतन, एससीसी के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। शुक्रिया सर, पर क्या कहना है, पहले विकेट का पतन और गौरेश बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, 11 रन बना के बैक टू द पवेलियन चले गए। नकीस प्रशांत सर, आपण पाहिलं तर एवढ्या सामन्यांमध्ये एकेरी दुहेरी धावांवरती भर दिला जातोय, तर हा क्रिकेटचा जो सामना आहे तो एकेरी दुहेरी धावांवर भर दिला तरच त्यांचा धावांचं लक्ष आहे हे मोठ्या प्रमाणात उभं करू शकतील। प्रत्येक वेळी मोठे फटके खेळून चेंडू जे आहे ते निर्धाव ठेवण्यापेक्षा प्रत्येक चेंडूवर एक धाव आलेली हे महत्त्वाची ठेवतात। पुन्हा एक शॉट, रनआउट ही संधी आणि इथे फलंदाज रनआउट होतोय, हार्दिक बैक टू द पवेलियन जाते हैं, दूसरे विकेट का पतन। आइए डीजे दो विकेट के नुकसान पर एसएससी व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता, जल्लोष आहे गावाचा आणि वाढदिवस आहे यज्ञेश्वर पाटील साहेबांचा। प्रकाश गेंदबाजी करेंगे, टीम के कप्तान, 70 प्लस ऑफ 2 विकेट, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए फुल टॉस गेंद, आर्चिस और हर्षद की जोड़ी मैदान के अंदर और आर्चिस के बल्ले से बिल्कुल वह सिंगल स्कोर हर्षद ऑन स्ट्राइक स्कोर बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए एक रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर की बात कर तो टोटल बन गया है 19 दो विकेट के नुकसान पर, 19 बॉल ऑफ 2 विकेट। ओवर इस वक्त तीसरा प्रगति पर, गेंद को खेल दिया थर्ड मैन क्षेत्र में, एक रन लेने का अवसर है, रन बनाने के लिए रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त स्वराज और एसएससी के बीच मुकाबला, लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल, स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, बल्लेबाज अर्चिस 1 पर, अर्षद 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया अपनी तरफ, गेंद को आने दिया और उसके बाद में बॉडी को रोल किया था, गेंद को खेल दिया स्क्वायरली की तरफ, एक रन का इजाफा और इस वक्त अर्षद बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, रन संख्या 21 दो विकेट के नुकसान पर। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया है और एक रन का इजाफा, डायरेक्ट हिट है, नॉट आउट काम पर नहीं, कोई नुकसान नहीं है, 22/2। एसएससी इस मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, तीसरा ओवर है, आखिरी गेंद शेष है और अभी तक अगर देखें तो रन संख्या 22 मतलब अच्छी रफ्तार के साथ तीसरे अंपायर के लिए जा रहे हैं, क्या ये आउट नॉट आउट, वैसे सॉफ्ट सिग्नल अंपायर ने नॉट आउट कहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी अंपायरिंग रही है, लेकिन अब जाकर देखते हैं क्या होता है। थर्ड अंपायर लिया गया है, ये गेंद ऑन साइड पर हल्के से खेला गया था और उसके बाद में ये थ्रो आया, नॉट आउट। रिव्यू आपको जल्दी लेना है 10 सेकंड से पहले और रिव्यू लेट लेंगे तो एक बार भी परेशानी, 22/2। प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं तो यह आखिरी गेंद शेष, 22/2, बल्लेबाज स्ट्राइकर रन पर आर्चिस जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, राउंड विकेट और लेग स्टंप के बाहर गेंद या लेग स्टंप के ऊपर से बिल्कुल इस वक्त लेग बाय का इशारा, गेंद उनके शरीर को लगी है, पैर को लगी है और उसके बाद में चली गई पीछे। तो 3 ओवर का खेल, 3 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर, एसएससी पहले बल्लेबाजी करते हुए
इंटरेस्टिंग मैच ही है। बॉलर का नाम बताइए। अच्छा स्टोक्स सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी चार रनों के लिए। वेलकम बॉडी फॉर द बैटिंग साइड। अच्छा स्टोक था ये। हर्षद के बल्ले से एक अच्छा स्टोक। नौ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन मंच की मैच मंचावरती है। मंचावरती है। स्कोर 27 एक विकेट के नुकसान पर 27 पर 2। और गेंदबाजी में हरीश पहली गेंद पर स्ट्राइक से स्वागत। अजीब गरीब अंदाज में गेंद को खेल दिया था लेकिन इस वक्त सिंगल चाहिए। चौका आया। स्कोर की बात करते रन संख्या फिलहाल स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 28 रन दो विकेट के नुकसान पर 28 पर 2। अर्चित जिन्होंने खाता नहीं खोला। अर्षित ने अच्छी पारी के लिए 7 गेंद में 9 रन। अब जाकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। एक चौका आने के बाद जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है तो फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी एसएससी बेगा के बल्लेबाजों द्वारा। अपने होम ग्राउंड पर हरीश गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 29 दो विकेट के नुकसान पर 1 रन लिया। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश। अर्षद 10 पर रन संख्या 30 रन दो विकेट के नुकसान पर। अर्चित ने 1 रन बनाया और यह निर्णय ओवर का खेल आप देख रहे हैं। इसके बाद में जो मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा संतनगर और डोंगरपाड़ा टीम के कप्तान को मैं दरखास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए। आइए डोंगरपाड़ा टीम के कप्तान और संतनगर टीम के कप्तान। 31 पर 2 चौथे ओवर का खेल चल रहा है। सिंगल दिया गया है तो इसका मतलब यह डबल के लिए जा रहे हैं। खतरे की घंटी बज रही है। अंपायर गुड्डू क्या कहेंगे। आउट दिया गया है इसका मतलब आखिरी गेंद पर सिंगल तो जरूर आएगा। स्कोर बोर्ड की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल 4 ओवर के समाप्ति के बाद थर्ड अंपायर दिया गया तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आउट बल्लेबाज आउट। स्कोर 32 दो विकेट के नुकसान पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन वार दिवस आज निश्चित है रत्नेश्वर पाटील साहेबांचा। तर डोंगरपाड़ा टीम संतनगर टीम टॉस साठी यायचे। आउट दिया गया है बल्लेबाज आउट। जे संघ खेळतात त्यांनी मैदानामध्ये खेळायचे परंतु जे संघ खेळले नाहीयेत खेळत नाहीयेत आता त्यांना विश्रांती दिली गेलेली आहे। अशा संघांच्या सर्व खेळाडूंना विनंती जेवणाची व्यवस्था मागे करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर काही प्रेक्षक या ठिकाणी आहेत त्यांनाही विनंती आहे आपण देखील या ठिकाणी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे। मंचावरती आपण पाहू शकता इथे यज्ञेश्वर पाटील साहेबांना शुभेच्छा देण्याकरता प्रचंड गर्दी झालेली आहे। 32 धावा धापल करती 33 धावांचं आव्हान। डोंगरपाड़ा टीम संतनगर कैप्टन वरती है व्यासपीठा वरती डोंगरपाड़ा टीम कैप्टन। कैप्टन प्लीज यहां संतनगर और दुसरे बाजूला डोंगरपाड़ा दोन्ही संघांचे कर्णधार साहेबांबरोबर या वेळेला फोटोग्राफ्स यज्ञेश्वर पाटील आपल्या स्क्रीन वरती डिबिन लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही सगळी दृश्य पाहतोय। टॉस केला जाणार आहे मैदानातला सामना देखील स्पेल या वेळेला दोन्ही संघांचे कर्णधार दाखल झालेले आहेत। डोंगरपाड़ा संघाचे कॅप्टन टॉस जिंकला काय निर्णय घेणार बॉलिंग। ओके शुभेच्छा तुम्हाला मान्यवरांचे मनापासून आभार। दोन्ही संघांना शुभेच्छा। मॅच सुरू होतोय आणि दर्पण मायक्रोफोन वरती। दरम्यान चालू असलेला सामना एक सन्मानजनक स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय। डिफेंड करण्यासाठी पहिला चेंडू आणि डिफेन्स पद्धतीने खेळून काढलाय
चेंडू ची फेकी होईपर्यंत एक धाव धाव पूर्ण केली जाईल आणि संघाचं हे खातं उघडलं तर एका धावेने. दरम्यान चालू असलेला सामना स्वराज्य आणि एसएससी या दोन संघांमध्ये आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंडला आता हरीश कदम आणि इथे क्लीन बोल्ड. अरे भाऊंचा पटेला डीजे जोरात लावायचा, पकडं तिकडं नाचून नाचून तिकडं घालायचा. अरे भाऊंचा पटेला डीजे जोरात लावायचा, पकडं तिकडं नाचून. दरम्यान आपण पाहिलं तर अवांतर चेंडू सोडण्याच्या नादामध्ये हा गडी बाद होतोय हरीश. आपण बघतोय की माननीय श्री यज्ञेश्वरजी पाटील यांचा वाढदिवस. दुसरा चेंडू धावचीची संधी होती मात्र पंचांचा कोणत्याही प्रकारचा खतऱ्याची धोका इथे आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहे. दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होते आहे. तीन चेंडूंची समाप्ती होते आणि दोन धावा या पेळ धाव फलकावर लागल्या जातात. ऑफसाइड ड्राइव्ह केला जात आहे. फेकी होईपर्यंत पुन्हा एकदा रनआउटचा चान्स होता मात्र चांगली रनिंग बिटिंग पाहायला मिळेल ती स्वराज्याच्या बॅट्समॅनमध्ये आणि एक धाव पुन्हा एकदा पूर्ण केली जाते. सेन्सिबल क्रिकेट हा इकडे पाहायला मिळतं आपल्याला. तीन धावा या फेरी धाव फलकावर पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू आणि हा ना मात्र इकडे रनआउट पुन्हा एकदा. मी प्रेक्षकांना विनंती करेल की जे प्रेक्षक व्यासपीठाच्या समोर आहेत, व्यासपीठाच्या समोर जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी कृपया करून थोडस साईडला उभं राहायचं आहे जेणेकरून मान्यवरांना सामना हा स्पष्टपणे बघता येईल. 33 धावांचं आव्हान असताना पहिल्याच षटकामध्ये दोन गडी गमावले आहेत ते स्वराज्यच्या संघाने. मात्र इथे पाच चेंडूंचा खेळ संपतोय. तीन धावा पुन्हा एकदा ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. चांगली फेकी होईल परंतु एक धाव सहजरित्या पूर्ण होईल आणि षटकाची समाप्ती. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4. मात्र इथून पुढे आता 18 चेंडूंमध्ये आव्हान पूर्ण करायचं आहे ते स्वराज्य संघाला. मी प्रेक्षकांना पुन्हा विनंती करेन की व्यासपीठाच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी कृपा करून खाली बसा किंवा साईडला व्हायचं आहे. आपण उत्सव मूर्तींचा सत्कार आणि केक कटिंग आपण पाहतोय व्यासपीठावरती. त्याच प्रकारे उत्कृष्ट सामने असे पाहायला मिळत आहेत आतापर्यंत. माऊली क्रिकेट संघ आयोजित सभापती चषक 2023 अंडरआर्म बॉक्स डे नाईट चे सामने. पुढचं षटक घेऊन येईल तो तुषार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 धावा दोन गडी गमावले आहेत ते स्वराज्यच्या संघाने. दुसऱ्याकडे पहिला चेंडू ऑफ साईडला ड्राईव्ह केला जात आहे आणि इथे पंचांचा चौकारचा इशारा येतोय. 4 धाव्याने धावांमध्ये या इनिंग मधला पहिला चौकार आपल्याला पाहते राजूच्या बॅट मधून. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर दुसऱ्या पुढच्या पाच चेंडू मध्ये कशा प्रकारची खेळी पाहायला मिळेल आपण ते बघणार आहोत. पुन्हा एकदा ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न येतोय. फेकी होईपर्यंत काहीशी चुकीची फेकी होती मात्र इथे एक धाव सहज पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 9 वरती दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर गोलंदाज तुषार पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्क वरती येतोय. दरम्यान चालू असलेला सामना स्वराज्य वर्सेस एसएससी मध्ये 33 धावांचं आव्हान असताना पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल मात्र इथे आणि एकच धावेवरती समाधान मानावं लागेल ते श्रेयसला. एक धावेने वाढवतोय. डोंगरपाडाच्या संघाला विनंती असेल की त्यांनी थोडं साईडला व्हायचं आहे आणि जे फ्रेक्चर साईडला
जो डोंगरवाड्याचा संघ आहे त्याने थोडा मैदानाच्या बाजूला व्हायचं तिकडून. दरम्यान निर्धाव चेंडू. चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 10 वरती. एक उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळेल ती आपल्याला तुषार कडून. आतापर्यंत फक्त 6 धावा खर्च केल्या आहेत. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते तुषार कडून. पुन्हा पुढचा चेंडू बघूया. फुलटॉस चेंडू होता, ऑफ ड्राईव्हला गेलाय. फेकी होईपर्यंत एक धाव पूर्ण होते. चांगली रनिंग बॅटिंग पाहायला मिळेल ती श्रेयस आणि राजू यांच्यामध्ये. राजू वैयक्तिक 5 चेंडूवरती 7 धावावरती खेळतोय, तर श्रेयस हा 3 चेंडूवरती 3 धावा पूर्ण करतोय आतापर्यंत. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळेल. फेकी होईपर्यंत एक धाव. चांगला प्रयत्न इथे फलंदाजाचा. माफ करा, निर्धाव चेंडू जातोय. अरे, 2 षटकाच्या साप्तेत धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 11 वरती. 2 विकेट. दरम्यान 2 षटकांचा समाप्ती होते आणि 11 धावा धावफल करावे लागत आहेत. आता मात्र समीकरण बदलत आहे ते 12 चेंडू आणि 22 धावा. गोलंदाज येतोय नोएल. 12 चेंडू मध्ये 22 धावांची आवश्यकता असताना स्वराज्य हा संघ कशा प्रकारे फलंदाजी करायला मिळेल ते आपल्याला बघायचं आहे. दरम्यान डावकुर हाताचा गोलंदाज नोएल चा पहिला चेंडू. ऑफ ड्राईव्ह गेलाय चेंडूला. फेकी होईपर्यंत एक धाव पूर्ण होत आहे. एका धाव्याने धावसंख्या सरकते 12 वरती. 11 चेंडू, 21 धावांची आवश्यकता आहे ती स्वराज्य संघाला. ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र इथे चेंडू निर्धाव होतोय. चांगली चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल ते आपल्याला एसएससी संघाकडून. 2 चेंडू, 1 धाव. दरम्यान पुन्हा एकदा जोरदार फटका आणि इथे चौकार. चांगलासा फटका पाहायला मिळतो आपल्याला श्रेयस कडून आणि या इथे बाउंड्री. आणि 2.3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 वरती. 2 गडी बाद आणि सुंदर असा लेग साइडला डिक्लेरेशन केला हा चेंडू. आणि समीकरण काहीतरी 8 चेंडू आणि 16 धावांचं ठरत आहे. स्वराज्य संघाला पूर्णपणे कमबॅक करावं लागेल जर हा सामना जिंकायचा असेल तर. इस वक्त अच्छी गेंद और बल्लेबाज आउट. राज की पारी समाप्त. बड़ी मछली जाल में फंसी है. एसएससी इस एग्जाम में पास. अच्छा प्रदर्शन लगातार हार के बाद बढ़िया प्रदर्शन रहा है. बल्लेबाज मैदान के अंदर आए. रॉकी रॉकी मैदान के अंदर. समीकरण की तरफ आपको लेकर जाऊंगा. 7 के अंदर 16 रनों की जरूरत है इस ओवर के अगली गेंद. अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया. गेंद ट्रैवल बाउंड की तरफ जा रही है. 1 रन का इजाफा. 6 गेंद और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है. तो इसका मतलब है कुएं का पानी बहुत गहरा है. निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है. कहीं बच जाएगा. छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. 6 गेंदे और 15 रन चाहिए. कक्षामध्ये अजूनही काही प्रेक्षक बसलेले आहेत. तिथे फक्त टीम जी बॅटिंग करणार टीम आहे ती असेल, बाकी कोणी असणार नाहीये. स्वराज स्वराज पर्दे के पीछे आपको बैठना है. पर्दे के आगे बहुत सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं.
और अब 6 गेंदें 15 चाहिए रॉकी इस वक्त स्ट्राइक रेट पर। गेंदबाजी की बात करें तो निर्णायक ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बॉलर का नाम 6 गेंदें 15 चाहिए कंपल्सरी चेस और गेंदबाजी करने के लिए हर्षत जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बल्लेबाज के तौर पर। बल्लेबाज चेस ने अच्छी पारी जरूर खेली लेकिन जो पहला ओवर था जिसमें रन नहीं आए पहले ओवर में अगर देखे तो केवल 4 रन आए थे वहां प्रेशर बन गया स्वराज्य के ऊपर। अब इनके लिए दोनों के लिए बिल्कुल ये करो या मरो वाला मैच। स्ट्राइक रन पर रॉकी और अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हर्षत। व्यासपीठावरती अपन पाहू शकता या वेला पुन्हा एकदा गर्दी वाढलेली आहे। यज्ञेश्वर साहेब पाटील निश्चितच यज्ञेश्वर पाटील साहेबांना शुभेच्छा देणारी सर्व मंडळी व्यासपीठावरती आहे आणि आता येणाऱ्या 2 तासांमध्ये प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल। लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइट बॉल का इशारा 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत। हर्षद गेंदबाजी कर रहे वाढदिवस या ठिकाणी सेलिब्रेट केला जातोय सभापती यज्ञेश्वर पाटील साहेबांचा। अच्छा स्ट्रोक सुंदर फील्डिंग या खतरा है। ओहो रॉकी बच गए जान हथेली भी लेके भाग रहे थे और गेंद स्टंप के करीब से बिल्कुल इस वक्त आई है। गेंदबाज हर्षद ने गैदर नहीं किया तो ये तालियां बज रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ड्राइव किया आपने भारत में सुंदर फील्डिंग हर्षद द्वारा लाजवाब फील्डिंग 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। अब देखे 4 गेंदों का खेल शुक्रिया दीजिए 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है और रॉकी को हीरो बनने का मौका। हर्षद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर के अगले गेंद राउंड विकेट बैकफुट पर टैप किया सुंदर फील्डिंग 3 गेंदें 12 रन इसका मतलब है लगातार 3 चौके आपको जड़ने हैं। 1 सिक्के के 2 पहलू होते हैं एक पर लिखा हुआ चैलेंज दूसरे साइड पर लिखा हुआ है मौका अवसर अवसर है बल्लेबाज के लिए और हीरो बनने का अवसर। 3 गेंदें 12 रनों की जरूरत है स्वराज्य टीम को। बैकफुट पर खेल रहे टैप कर रहे अलग द कार्पेट खेलने की जरूरत है 2 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए और 12 रन इसका मतलब एसएससी टीम ने इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है लाजवाब प्रदर्शन रहा है। 2 गेंदें 12 रन चाहिए स्वराज्य को यह मुकाबला जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक बैकफुट पर 4 रन 1 गेंद 8 रन की जरूरत इस वक्त एसएससी टीम जीत की दहलीज पर। 1 गेंद 8 रनों की जरूरत है या चष्टोक रॉकी का। अगला मैच बिल्कुल दोनों टीमें तैयार है लेकिन इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया एसएससी टीम ने। अच्छा स्ट्रोक 4 रन अगर ये 2 चौके पहले आते तो बिल्कुल मजा आता लेकिन क्या करें तीर कमान से निकल चुका है यह मुकाबला एसएससी ने जीत लिया कांग्रेचुलेशन।